विचार से इनकी कोई भी जो मांग है वो जस्टिफाइड नहीं है, और इसीलिए हमने जब इनसे कन्वे किया तो इन्होंने अंत में ये इनका फैसला आया कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। पर्चा दर्ज करने का सवाल है तो ये बात को बार बार उठा रहे हैं, घुमा रहे हैं और अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं, प्रशासन भी और सरकार भी, जो बिल्कुल गलत है, जो नैतिकता के खिलाफ है। इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। हाईवे जाम की बात हमने नहीं की है, हाईवे जाम करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। जो दोषी है वो यहाँ का प्रशासन है, इसलिए हमारा प्रशासन का घेराव करना। मुझे पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे, और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। घेराव होने देते हैं कि नहीं होने देते हैं, ये लठ मारते हैं, ये क्या पानी मारते हैं, ये जेल में ले जाते हैं, गोली मारते हैं, वो इनका काम है। लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल सख्त हिदायत है कि हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। किसान अपने स्टैंड ते बरकरार ने, ते प्रशासन भी टस तो मस होने नूं तैयार ने। करनाल च किसानां ते पुलिस दे दरमियान एक घंटा बैठक हुई पर सिट्टा कोई नहीं निकलिया। किसानां दी मांग सी कि करनाल च 28 अगस्त नूं लाठीचार्ज दौरान जख्मी किसानां नूं मुआवजा, मृतक किसान दे परिवार नूं नौकरी ते अफसरां ते कार्रवाई होए, पर प्रशासन ने एक भी मंग नहीं मनी। इसे लिए हुण करनाल दी इस नवी अनाज मंडी तो किसान हुंकार भरनगे, कतरेत दा किराओ करनगे, पर प्रशासन भी पूरी तैयारी दा दम भर रहा है। मैं हमने उनको स्पष्ट बताया है कि ये सारे लोग जो है वो लॉ वायलेटर्स हैं, उन्होंने कानून तोड़ा है, हाईवे जाम किया है, सो किसी भी सूरत में मुआवजे के हकदार नहीं है। दूसरा इनका कहना था कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, तो वो भी हमने इनको स्पष्ट किया, क्योंकि चूँकि स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने कानून तोड़ा, हाईवे जाम किया, और हाईवे खुलवाने के लिए जो है मिनिमम बल प्रयोग जितना चाहिए था उतना किया है, तो इस प्रकार से इनकी कोई भी जो मांग है वो जस्टिफाइड नहीं है, और इसीलिए हमने जब इनसे कन्वे किया तो इन्होंने अंत में ये इनका फैसला आया कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। इस सिलसिले में मैं किसानों से, जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, उनसे आग्रह करूँगा, एक तो शांति व्यवस्था ज़रूर बना के रखें जितनी भी गैदरिंग हो। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है, जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे, और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। करनाल च SDM दे विवादित बयान बाद किसान कार्रवाई दी मांग कर रहे ने, पर सरकार अते प्रशासन वल्लों अफसर दा पक्ष पूरिया गया, इसे लिए किसानां दा रोह भी सत्तवें आसमान ते है। पर्चा दर्ज करने का सवाल है तो ये बात को बार बार उलटा रहे हैं, घुमा रहे हैं और अपने अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं, प्रशासन भी और सरकार भी, जो बिल्कुल गलत है, जो नैतिकता के खिलाफ है। क्योंकि अगर अपना बेटा भी गलती करता है और उसका बाप उसको कंट्रोल करता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना फिर वो समाज में बुराई फैलती है। करनाल च तारा 144 लगा दी गई है। सोमवार रात 12 बजे तो करनाल दे विच इंटरनेट सेवावां भी बंद हो जाणगियां। सुरक्षा पक्षों अते किसानां नूं रोकण दे लई 10 वाधू कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने। 25 DSP अते 5 SP रैंक दे अफसर करनाल दे विच लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति ते निगाह रखणगे। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने CAPF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास DSP रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। इनको देखना है, पैरामिलिट्री फोर्स करें, जो भी करें, हमने कौन सा कोई लड़ाई तो करनी नहीं, हमने तो किसी पे हाथ उठाना नहीं, हम तो हमारा आंदोलन तो शांतिपूर्वक है, हम रैली भी शांतिपूर्वक करेंगे, ये आने देंगे तो ठीक है और नहीं आने देंगे तो बैरिकेड तोड़ के ये घेराव होने देते हैं कि नहीं होने देते हैं, ये लठ मारते हैं, ये
पानी मारते हैं, ये जेड़ में ले जाते हैं, गोली मारते हैं, वो इनका काम है। लेकिन हमारी तरफ से बिल्कुल सख्त हिदायत है कि हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। हरियाणा च 28 अगस्त मुख्यमंत्री का घिराओ करन आए किसानां नाल पुलिस कुछ इस तरह दे नाल पेश आई सी। अजिहे हालात मुड़ना पैदा होण इसे लई हरियाणा दे कैबिनेट मंत्री इस बार स्थिति संभालन लई कुछ इस तरह दे तर्क दे रहे ने। अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, किसान भाई भी कल कर रहे हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने सारे इंतजाम किए हैं लोगों की सुविधा के लिए, कुछ रास्ते डाइवर्ट भी हमने किए हैं और सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हमने फोर्स भी लगाई है। शरारती तत्व फायदा ना उठाते हैं, कोई र्यूमर मोंगर्स किसी प्रकार का वो ना कर दे, उसके लिए प्रशासन को एहतियात बरतने पड़ते हैं। मुजफ्फरनगर च एतवार नूं किसानां ने इस तरह दे नाल शक्ति प्रदर्शन कीता सी। 9 महीनों तो सरकार नाल किसानां दा टकरा जारी है। हरियाणा च कई बार स्थिति विगड़न करके खट्टर सरकार सवालां च है, पर किसान लीडर पैदा हुए हालातों लई केंद्र सरकार नूं जिम्मेवार दस रहे ने, क्योंकि 11 गेड़ की गलबात तो बाद सरकार ने एक बार भी किसानां दी बात नहीं पुछी। जब तक कानून वापसी नहीं होगा ना हम धरना स्थल छोड़ेंगे ना हम आंदोलन छोड़ेंगे। सरकार बातचीत करे, हमने बातचीत के रास्ते हमारी तरफ से खुले हुए हैं, सरकार की तरफ से दिल्ली के दरवाजे बंद हैं। किसानों दी नजरां च हरियाणा सरकार दा अक्स कोई बहुता चंगा नहीं है। वो बयान करन दे लई नित हरियाणा छुंदे प्रदर्शन काफी ने। किसानों दे जहन च 26 नवंबर दी तस्वीर अजे भी ताजा ने कि 28 अगस्त नूं जो होया उन्होंने किसानों दे जख्मां ते लून छिड़क दिता है, ते इसे दा नतीजा है कि किसान फिर तो डट गए ने।